दोस्तों, मेरा एक वीडियो एक लड़की ने बनाया था। उस वीडियो को बनाने के बाद उस लड़की ने मेरी साइबर क्राइम पुलिस में कंप्लेंट कर दी और अब मेरे पास जो कॉल आ रहा है वो साइबर क्राइम के एक अधिकारी का है और वो मुझे धमकी दे रहा है कि तेरे को जेल में बंद कर दूंगा और वो मुझसे पैसे की डिमांड भी कर रहा है कि तू 11,000 रुपये देकर अपना पीछा छुड़वा सकता है। जब मैंने उस नंबर को ट्रूकॉलर में डालकर सर्च किया तो मेरे सामने साइबर क्राइम का एक ऑफिसर का नाम वहां आ रहा है, वहां फोटो भी दिखाई दे रहा है। क्या मामला है आखिर? ये जो नंबर हम जब ट्रू कॉलर पर सर्च करते हैं तो ये नंबर हमें साइबर क्राइम के किसी ऑफिसर के नाम से क्यों दिखाई देते हैं? और जो साइबर क्राइम की नाम के साथ साथ जो डीपी दिखाई देती है उसमें एक पुलिस अधिकारी का एक फोटो होता है, वो आखिरकार ये जो फ्रॉड करने वाले ही हैं, अगर ये फर्जी लोग हैं तो इनके ट्रू कॉलर पर ऐसा दिखाई क्यों देता है? आज इस विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो का जो विषय हमने चुना है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे युवा इस चीज़ को जानना चाहते हैं। सर, जो चीज़ आपने बताई सारी चीज़ हमें अच्छी लगी, ठीक है, हम आपकी सारी बात मान लेते हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि साइबर क्राइम का जो ऑफिसर बनकर जो कॉल कर रहा है वो फ्रॉड आदमी है, लेकिन सर एक चीज़ हमारे को जच नहीं रही है, वो ये है कि जब ट्रू कॉलर में जाकर हम सर्च करते हैं तो वहां पर उसका नाम साइबर क्राइम ऑफिसर के नाम से आ रहा है और उसका वहां पर एक डीपी यानी कि फोटो भी दिखाई दे रहा है। आखिर ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर वो फ्रॉड है तो ट्रू कॉलर में ये चीजें नहीं दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन ये दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? दोस्तों, उससे पहले अगर बात करें इस पूरे स्कैम की तो ये स्कैम एक लड़की की आड़ में हो रहा है और उसमें जो लड़की है वो साइबर क्राइम के अधिकारी तक कंप्लेंट लेकर पहुंचती है या फिर यूट्यूब के किसी अधिकारी के पास पहुंचती है और सोशल मीडिया पर उस वीडियो वायरल करने की बात कहकर ही आपके पास ये कॉल आता है कि या तो आपका वीडियो वायरल हो रहा है या फिर आपका वीडियो वायरल हो जाएगा अगर आपने जो लड़की के साथ गतिविधि की है उस विधि में आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है और उस कंप्लेंट की कार्रवाई के एवज में हम लोग आपको फोन कर रहे हैं, इसको आप कैसे पीछा छुड़वाना है, पैसे दे दीजिए और आपका पीछा छूट जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अगर आपके साथ स्कैम हुआ है, आप भी अगर साइबर क्राइम के किसी अधिकारी के चक्कर में फंसे हुए हैं तो इसे वीडियो को कंप्लीट देखना जरूर चाहिए आपको, अगर आप इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवाड़ी। दोस्तों, अगर बात करें जो ट्रू कॉलर पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं या फिर जो साइबर क्राइम के अधिकारी का फोन आपके पास आया था, जब आपने उसे ट्रू कॉलर पर डालकर देखा तो वहां पर आपको ट्रू कॉलर पर वो जो नाम है वो सर्च में दिखाई दे रहा है, उसका एक फोटो लगा हुआ है। बेसिकली दोस्तों, ये हमारी और हम सब की एक आदत है कि जब हमारे पास कोई अनजान या अननोन कोई कॉल आता है तो हमें उसे ट्रू कॉलर पर डालकर सर्च करते हैं और वहां देखते हैं कि ये कौन है, जबकि वहां पर उसकी जो रियल आइडेंटिटी है उसका कोई कंफर्म नहीं होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रू कॉलर काम कैसे करता है और उसके बाद समझते हैं कि ये नंबर कैसे दिखाई देते हैं। ट्रू कॉलर बेसिकली एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी रहती है। जिन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है वो या तो इनको जीमेल पर एक्सेस देते हैं या फिर जब ट्रू कॉलर का अकाउंट बनाया जाता है वहां पर पर्टिकुलर इन्हें हमारी जो आइडेंटिटी है वो हम उस प्रोफाइल में डालते हैं। यानी कि ट्रू कॉलर अगर आपने बनाया है तो आप देखना स्टार्टिंग में ही वो आपसे फोटो की जगह फोटो की आपसे जानकारी मांगेगा, आपके नाम की जगह आपके नाम के नंबर की जानकारी मांगेगा और आपके उस नंबर को तब जाके वेरीफाई करेगा, यानी कि आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद जो ओटीपी आप डालोगे तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि भाई आप इस ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का यूज करें। तो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के जो भी डाटा है यानी कि जो नंबर्स हैं वो ट्रू कॉलर कहाँ से उठाता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक अननोन कॉल आ रहा है, उसका नाम मान लो हेमंत है, तो मेरे ट्रू कॉलर पर जो हेमंत मुझे सर्वप्रथम दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देगा कि ट्रू कॉलर उसकी जो आइडेंटिटी है या तो उसके एप्लीकेशन से लेगा, अगर उसने कहीं पे भी ट्रू कॉलर में कोई नंबर डाल रखे नाम नहीं डाल रखे या कोई गलत नाम डाल रखा है तो मेरे पास उसका गलत नाम ही आएगा, या फिर उसकी फेसबुक आईडी सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टाग्राम की आईडी है तो
तो वहां से वो उस डाटा को लेगा और फिर वो हमारे को कॉल आने से पहले ही रिप्रेजेंट करेगा कि ये व्यक्ति आपके पास कॉल कर रहा है। ऐसे में जिन लोगों की फेसबुक आइडिया नहीं है या फिर इंस्टाग्राम की आइडिया नहीं है, जो बिल्कुल यूनिक नंबर को यूज कर रहे हैं, उन लोगों के नाम की अगर बात करें तो जब भी वो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, वहां पर उन्हें अपना नाम और जो भी वो प्रोफाइल बनाते हैं, वही प्रोफाइल अगर 2 से 3 लोगों के मोबाइल में अगर सेव कर दी जाए उसी नाम से, तो निश्चित ही वो आप जब भी आप कॉल करेंगे किसी भी व्यक्ति के पास, उसको जो आप पहले से ही जो एक नोटिफिकेशन आएगा उसमें वही नाम आएगा। ये चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको और इजी वे में आपको समझा देता हूं, बहुत आसान तरीके से, कि दोस्तों मान लीजिए कि मैंने एक नंबर है जो बिल्कुल नया लिया है, यूनिक नंबर है, उस नंबर का मैंने कहीं पे भी आज तक कोई यूज नहीं किया, मैंने वो जब भी मेरे मोबाइल में डाला, मैंने कोई आईडी वाईडी नहीं बनाई है, क्योंकि इन लोगों के पास जो साइबर क्रिमिनल है, जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर आपको कॉल कर रहे हैं, उनके पास एक यूनिक नंबर होता है और वो जो यूनिक नंबर है उसके नाम पर वो जब ट्रू कॉलर के एप्लीकेशन में उसको वेरीफाइड करते हैं, तो वहां पर वो नाम वही नाम देते हैं जिस नाम को आप लोगों को प्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे आप लोगों को हेमंत मल्होत्रा बनकर प्रेजेंट करना है, या फिर अगर आप मेरे नंबर पर जब भी कॉल करते हैं तो आपको जो मेरा नाम दिखाई देता है वो नाम उसी वजह से दिखाई देता है क्योंकि मेरे जो नंबर हैं किसी दूसरे लोगों के मोबाइल्स में वो उस नाम से सेव। अगर मेरा नाम एजुकेशन फॉर भारत के नाम से सेव है, तो जब भी मेरे नंबर से आपके पास कोई कॉल आएगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर एजुकेशन फॉर भारत लिखा हुआ ही है। इसका रीजन यही है कि ट्रू कॉलर वहां से एक्सेस करता है। अब बेसिकली जब ट्रू कॉलर पर अपन आईडी बनाते हैं तो वो वही नाम रखते हैं जैसे कि उन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड करना है, और उन्होंने अपना नाम निश्चित कर लिया कि हमें अब संजय सिंह करके ही बात करनी है, तो उन्होंने ट्रू कॉलर में संजय सिंह नाम से वहां पर मेंशन कर रखा है और संजय सिंह नाम से ही उन्होंने वहां पर फोटो भी लगा रखी है, या जो पुलिस का अधिकारी उन्होंने पुलिस की ड्रेस में एक अधिकारी की फोटो लगा रखी है और वहां पर साइबर क्राइम पुलिस ऑफिसर या साइबर क्राइम का नाम नीचे लिख रखा है। जब वो जो चीजें हैं जो उन्होंने वहां पर मेंशन कर रखी, उसी नाम से उसी नंबर को 2-3 लोगों के मोबाइल में उन्होंने सेव कर रखा है, और इसी एवज में जब ट्रूकॉलर आपको नोटिफिकेशन भेजता है तो वो 2-3 जो नंबर है जिन पे ऑलरेडी कभी पहले बात हुई थी, उन लोगों का डाटा जो है ट्रू कॉलर ने एक्सेस कर रखा है, यानी कि सेव कर रखा है, वही डाटा आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये नंबर है जो आपके पास जो कॉल करने वाला है उसके नंबर के नाम इस नाम से सेव। और आप उस चीज को लेकर ये सोच बैठते हैं कि सर जो ट्रू कॉलर है वहां पर वो नाम दिखाई कैसे दे रहा है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि ट्रू कॉलर पर अगर आप भी अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो प्रोफाइल है ट्रू कॉलर की उसमें आपको नाम और फोटो जो भी आप मेंशन करना है वो मेंशन कर सकते हैं और 2-3 मोबाइलों में आप उस नाम को सेव कर सकते हैं। जब भी आप 2-3 मोबाइलों में वो नाम अपने मोबाइल में वो नाम सेव करके रखोगे, नेक्स्ट जब भी वो कॉल किसी के पास जाएगा तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो उसी नाम से जाएगा। ये आप चीजें ट्राई कर सकते हैं, ये कई बार हमने ट्राई करके देख लिया है, हम पूर्णतः इस चीज को लेकर 100% श्योर है, ये चीजें तभी आपको बता रहे। तो अगर ट्रू कॉलर पर अगर आपको साइबर क्राइम के ऑफिसर का नाम दिखाई दे रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है और वो जो अधिकारी बनकर आपको कॉल कर रहा है पैसे मांग रहा है, लेकिन वो 100% यानी कि 100% वो फेक है, क्योंकि इंडियन कानून के अकॉर्डिंग कोई भी पुलिस ऑफिसर हो वो आपके पास इस तरीके से कॉल नहीं कर सकता, और कॉल अगर करता है तो वो पर्टिकुलर आपकी पूरी आपको आईडी के बारे में, यानी कि आपसे जो भी उसको बातचीत करनी है जिस भी मैटर के संदर्भ में बात करनी है वो आपको बाई फेस बुला कर ही बात करना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फोन पर ये इतला दे दी जाए कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके लिए पुलिस भेज रहे, ऐसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है उस क्राइम की अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी उसका कोई परिचित व्यक्ति उनसे आइडेंटिफाई करता है, उनको कॉल करके जानकारी लेना चाह रहा है, पुलिस का कर्तव्य बनता है कि पूरी चीज उसे समझाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रियल साइबर अधिकारी है, आपको जो कॉल कर रहा है वो साइबर का कोई अधिकारी है, आप किसी दिगर व्यक्ति के नंबर से आप उसे कॉल करके ये जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके का ऑफेंस है, क्या क्राइम किया है और किस क्राइम की क्या धाराएं बनती है, यानी कि जो FIR नंबर है वो क्या है, किस सेक्शन में FIR दर्ज हुआ है। अगर ये जानकारी अगर आप उनसे मांगोगे निश्चित ही आपको जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि साइबर ठग इन चीजों से वाकिफ नहीं रहते हैं और वो
आपकी जो इनका जो जाल है उस जाल से आप उनको बाहर लाने में साबित हो सकेंगे। दोस्तों अगर आपको इस जानकारी से अगर आपको कोई भी अगर हिम्मत मिली है, मदद मिली है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ये बताने की कोशिश जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।